यहाँ पे अजरबैजान का ये सेल्फी पॉइंट है, यहाँ पे अपनी तस्वीरें वगैरह आप खिंचाना चाहें खिंचा सकते हैं। यहाँ से अभी हम आपको लेके चल रहे हैं इधर आगे की ओर। यहाँ पे फ़ोटो वगैरह खींचने का अलग ही नज़ारा है। और यहाँ के पेड़ आप देखेंगे ना, पेड़ ऐसे इसके पत्ते झड़ गए हैं और इतने पीले पीले हैं, ऐसे दिखते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका ट्रैवल जंगी के नए एपिसोड में। हूँ आपका दोस्त और होस्ट सुरेश। अजरबैजान के बाकू शहर के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं जा रहा हूँ आपको बाकू से शमाखी गबाला टूर पे। तो 9 बज चुके हैं और हमारी जो शेयरिंग टूर है वो स्टार्ट हो चुकी है। चलिए चलते हैं बाहर। अभी हम बाहर जा रहे हैं, ये देखिए। अच्छा भाई आजा आजा, क्यों? अच्छा अच्छा। जैसा कि अब हम टूर के लिए निकल गए हैं, जैसा कि हमारी गाड़ी भी आ चुकी है, 9 करेक्ट बज चुका है। तो भाई देख सकते हैं हमारे जो एजेंट हैं वो आ चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी में बैठने। आज मौसम थोड़ा बेईमान है, बारिश हो रही है। या भाई साहब आज मौसम तो एकदम बेईमान हो रहा है, एकदम क्या कहते हैं कि रेनी मतलब बहुत, मतलब कि यहाँ पे बारिश हो रही है, क्या पता आगे बारिश ना हो। युवा गबाला टूर के लिए। और देखिए आगे हमारी वैन जो है ये आ चुकी है, इस पर अभी हम जाएंगे। समय बज रहे हैं अभी 9:02। This one? This place is mine. Okay. You can sit here. जैसा कि अभी समय बज चुके हैं सुबह के 9:04 और करेक्ट 9 बजे इन्होंने हमारे होटल से हमको पिक किया है। तो दोस्तों टूर स्टार्ट होने के पश्चात करीब आधे घंटे हम और आ गया है। तो हाईवे से पहले ही हमारे जो गाइडर साहब उन्होंने गाड़ी यहाँ पे रुकवा दी है। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि यहाँ पे जिसको वाशरूम यूज़ करना है, ब्रेड वगैरह लेना है, वो आप ले सकते हैं और वाशरूम वगैरह यूज कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं इधर की ओर पूरा ये हाईवे है, ये पूरा हाईवे देख सकते हैं, अजरबैजान का हाईवे। और मेरे इधर की ओर देख सकते हैं ये पूरा सुपरमार्ट है। तो आप ये बैक कैमरे से सुपरमार्ट देख लीजिए। और अगर हम आपको यहाँ का हाईवे दिखाएं तो देख सकते हैं यहाँ का अजरबैजान का हाईवे और फोग में किस प्रकार गाड़ियाँ चल रही हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए टपरा है, यहाँ पर आप चाय कॉफ़ी वगैरह ले सकते हैं अगर लेना चाहते हैं तो। और यहाँ से आप ये देखिए अजरबैजान का हाईवे। तो ये देखिए इधर की ओर अजरबैजान का हाईवे है और ये देख सकते हैं आप फॉग में भी किस प्रकार कितनी तेज़ गाड़ियाँ चल रही हैं, ये देख रहे हैं पूरा। और इधर की ओर एक कॉफ़ी शॉप है, यहाँ पे इन्होंने गाड़ी रोक दिया है। अगर आपको कॉफ़ी वगैरह पीना है, अगर पीने की इच्छुक है तो आप कॉफ़ी वगैरह पी सकते हैं, अगर नहीं पीना है तो कोई बात नहीं। हम जा रहे हैं गाड़ी में बैठने क्योंकि हल्की हल्की बारिश भी हो रही है और बहुत ठंडा है। तो भैया आप लोगों में से कुछ लोग पूछेंगे भैया किस प्रकार के वैन से लेके जाते हैं, तो भाई ये देख लो ये वैन है, इस प्रकार वैन से लेके जाते हैं आपको गबाला या कुबा टूर के लिए। अंदर इस प्रकार सीट रहती है। जैसा कि एक बार हम फिर छोटा सा 5 मिनट का चाय कॉफ़ी और वाशरूम का ब्रेक लेने के बाद निकल पड़े हैं आगे की ओर। अब हम मेन हाईवे पकड़ चुके हैं और अब बढ़ रहे हैं गबाला की तरफ। तो दोस्तों ये देखिए हम आ गए हैं अभी जमा स्क्वायर पे। ये हमारे देश के सबसे पुराना मस्जिद है। The name of this mosque, the oldest mosque, is called Shamakh Juma mosque, which was built in the year of 743. But you see here the renovated, time period of its building since 2013, because over the time this mosque mainly twice, suffered from the devastating earthquakes which happened in 1859 and 1902, twice suffered from devastating earthquakes, and once in the 1918 unfortunately suffered from Armenian aggression, and that's why they set fire to this mosque, because local people, they use this mosque as shelter. I mean innocent people escaping from aggression, from their attack. They settled here inside, but unfortunately, they set fire, burned this mosque. You will see here inscription. Come and see this place. As a result of the devastating earthquakes and Armenian attacks, it was destroyed completely. And only this part, okay, these walls come from that period. Since 1918 remains. And during, you know, independence period at the end of 1990s, and finally since 2013, you can see here like renovated building of the oldest mosque here in Azerbaijan, which was built by Arabic religious missionaries. They came here, comes from Arabic words, Sham Akhi, Akhu Madinati Sham. Okay, let's get inside. I'm gonna show you here the ruins. Arabic religious missionaries, they built here according to religious traditions. They built here whole complex, not only one mosque. They built here according to Islamic rules. They built here madrasa and bath house as well. Now you can see here the ruins of old bath house and madrasa. So what is madrasa? Like you take shower or what is it? No, madrasa is school, okay, school. No, but shower for this, you know, bathhouse. Because okay, according to Islamic rules, one have to be pure before getting inside the mosque. This was Arabic, you know, and religious Islamic rules. You know, that period of the spreading of the Islamic religions, it was the strictly rule. According to Islamic rules. Let's get inside and see. During the renovation period, the government decided to preserve the oldest traditional style, Azerbaijani style of interior design and exterior design as well. Take off your shoes, please, and put on the shelf. Don't step on the carpet with the shoes, please. Okay. So this is, yeah, in Azerbaijani language, mainly Shia people do use during the prayer. They use on their foreheads because otherwise their dua or prayer is not accepted. Actually, it's considered to be Karbala city or Iranian Mashhad city as well. Like the land, the earth has been brought from these religious places. तो दोस्तों जैसा कि जो हमारे गाइडर साहब हैं उनसे हमने इस मस्जिद के बारे में जान लिया। जैसा कि उन्होंने बताया इस मस्जिद का, ये बाकू शहर का सबसे पुराना मस्जिद है और कुछ टाइम पे इस पे अटैक भी हुआ था, तो ये जो हिस्सा है पीछे का वो हिस्सा थोड़ा क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन फिर इसको दोबारा बनाया गया। तो ये पहला स्पॉट है, पर्यटक स्पॉट है इस गूबा टूर का, सॉरी इस गबाला टूर का। तो आप ये देख सकते हैं पूरा। तो हम जा रहे हैं वापस अपने वैन में, और अपनी वैन से बैठ के अब हम जाएँगे अपने अगले पड़ाव। कहाँ रुकते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। ये देखिए हमारी, तो ये देखिए हमारी किस प्रकार वैन है, ये देखिए। ओहो ठंड है भाई थोड़ी थोड़ी। अब हम गबाला लेक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो गाइस 11:48 पे हम जमा स्क्वायर देखने के बाद वहाँ से चले थे, करीब 2 घंटे की और इस वैन से यात्रा करने के पश्चात हम आ गए हैं। अब इस समय बज रहे हैं दोपहर के 1:34 और हम आ गए हैं इस जगह पे। इस जगह का नाम है लेक, किसी लेक के नाम से जाना जाता है। यहाँ हमारे लंच की व्यवस्था है। आप ये देखिए, ये देखिए रेस्टोरेंट में, लेक के किनारे ही रेस्टोरेंट है जैसा कि बताया है हमारे गाइडर साहब ने। यहाँ पे हम वेजिटेरियन लंच करेंगे। ये देखिए पूरा ये देखिए नूहुर गोल रेस्टोरेंट। देखिए यहाँ पे इधर की ओर वाशरूम है, जिसको वाशरूम वगैरह जाना है वाशरूम जा सकते हैं। और इधर की ओर मेरे रेस्टोरेंट है, देख लीजिए। ये देखिए ठंडी नहीं है यहाँ पे। ये पूरा इधर की ओर रेस्टोरेंट पूरे बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। और हम जो रेस्टोरेंट हमें लेके जा रहे हैं लेक की साइड, उधर हम आपको दिखाने लेके चले हैं लेक की साइड। ये देखिए वो हमारे गाइडर साहब आगे आगे जा रहे हैं और उनके पीछे पीछे हम जा रहे हैं। ठंड नहीं है अभी, हालांकि यहाँ पे बाकू में तो बारिश हो रही है, लेकिन यहाँ पे ठंड नहीं है, मौसम सही है। हल्का का नीला आसमान है मगर धूप भी नहीं है। अगर धूप खिलखिला के हो जाती ना तो काफ़ी एकदम शानदार नज़ारा हो जाता। यहाँ पर रेस्टोरेंट में अगर आप खाना खाने जाएंगे इधर, चाहे आप कुबा में जाएँ, चाहे आप गुबा में जाएँ, या फिर आप इधर गबाला साइड आएँ, तो ये देखिए ऐसे छोटे छोटे ना इधर की ओर देख सकते हैं, ये वो बने हुए हैं पैक करके कि भाई आपको ठंड न लगे, क्योंकि यहाँ पे खुले में खाएंगे तो आपको ठंड लगेगी। तो ऐसे छोटे छोटे ये बना दिए हुए हैं गुमती टाइप के कांच के अंदर, तो आपको ऐसे ठंड न लगे। तो ये देखिए ये नल है, यहाँ पे इस प्रकार ऐसे हाथ धोने के लिए बनाया गया है एकदम ट्रेडिशनल स्टाइल में। इसको ऐसे खोलेंगे, ये पानी आ गया, देखिए यहाँ से हाथ धो सकते हैं। ये देखिए, और मेरे इधर की ओर देखेंगे रेस्टोरेंट। इस रेस्टोरेंट को कितना अच्छा डेकोरेट किया गया है, आप देख रहे हैं भाई साहब, मस्त जगह है। गबाला टूर अगर आप आ रहे हैं तो ज़रूर आएँ। और मेरे इधर की ओर लेक है, वो हम लेक आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले रेस्टोरेंट में जो हमारा इस पैकेज के साथ कम्प्लीमेंट्री लंच है, लंच कर लें, उसके बाद हम आपको लेक दिखाने चलेंगे, तस्वीरें वगैरह खींचेंगे और भी बहुत सारी एक्टिविटी करेंगे। ये देखिए, ये चलिए रेस्टोरेंट के अंदर। राइस लंच में इन्होंने सबसे पहले सर्व किया है ये सैलेड है वेजिटेरियन में, इसके ऊपर टमाटर और खीरा और प्याज है, और इसके साथ ये ब्रेड, ये आप देख सकते हैं ब्रेड है। तो चलिए फटाफट खा लेते हैं, फिर मिलते हैं। So I'm having local bread. I'm local bread from Gabala. It is extremely delicious. बहुत अच्छा लग रहा है इसे खा के। अब पता नहीं किसके साथ खाना पड़ेगा, उसका वेट कर रहे हैं। नहीं सब्जी देते हैं, शायद कल हमने दिया था। हाँ वो तो मटर पनीर हो गया, दाल मखनी, छोले भटूरे। दोस्तों तो स्टार्टर में पहले हमें ये ब्रेड दिया था, उसके बाद ये सैलेड दिया, और उसके बाद ये इसको यहाँ बोलते हैं दाल सूप, क्या बोलते हैं इसको यहाँ पे। और ये सूप पीने के बाद ये हमारी वेज थाली आ गई है, जिसमें ये मिर्ची फ्राई दिया है इन्होंने, ये बैगन फ्राई, ये शिमला मिर्च फ्राई, ये टमाटर फ्राई, ये प्याज, और ये छोड़ा सा चावल, फ्रेंच फ्राइज। अब कैसे खाएंगे इसको ये समझ नहीं आ रहा। तो भाई अब हमने यहाँ से खाना खा लिया है, अब चलिए चलते हैं लेक दिखाने, क्योंकि 1 घंटे इन्होंने गाड़ी रोकी थी और 45 मिनट हमने खाना खाने में लगा दिया। अच्छा है, और what is the name of lake? Nohur Girl. Nohur or Nohur Lake. Nohur. Girl means lake. Okay. In our language. Nohur Lake or Nohur Girl. Nohur Lake. तो चलिए हम आपको लेक दिखा देते हैं। इस लेक का कोई नाम नहीं है जैसा कि उन्होंने बताया। ये आप जाइए फटाफट घूम के आइए, यहाँ से फ़ोटो ले सकते हैं बस, और क्या करेंगे, और कुछ नहीं कर सकते बस। तो ये देखिए इधर यहाँ पे ऐसा है कि लेक के सामने आप अगर यहाँ रुकते हैं तो लेक के सामने यहाँ पे रेस्टोरेंट बने हुए हैं। यहाँ पे रेस्टोरेंट में आप इस प्रकार बैठ के खाना पीना खा सकते हैं और लेक का आनंद ले सकते हैं। लेक का पानी बहुत ठंडा है। यहाँ पे मेरे इधर की ओर कुछ एक्टिविटी है, जैसे कि आप राइड वगैरह करना चाहते हैं, नाव वगैरह बोटिंग वगैरह करना चाहते हैं तो बोटिंग वगैरह कर सकते हैं। आइए तो देख सकते हैं पूरा ये नज़ारा। इधर की ओर अगर आप बोटिंग वगैरह करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है तो हम सिर्फ फ़ोटो तो खींच के ही निकलेंगे। और आगे चलते हैं हम। चल ठीक है, ये देखिए। तो अभी अब तक आपको मैंने उधर का पूरा व्यू दिखा दिया, अब हम आपको आगे इधर की ओर लेके चल रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे अजरबैजान का ये सेल्फी पॉइंट है। यहाँ पे अपनी तस्वीरें वगैरह आप खिंचाना चाहें खिंचा सकते हैं, पे अपनी तस्वीरें खिंचाना चाहें खिंचा सकते हैं। और यहाँ से अभी हम आपको लेके चल रहे हैं इधर आगे की ओर। यहाँ पे फ़ोटो वगैरह खींचने का अलग ही नज़ारा है। और यहाँ के पेड़ आप देखेंगे ना, पेड़ ऐसे इसके पत्ते झड़ गए हैं और इतने पीले पीले हैं, ऐसे दिखते हैं। आप ये देख सकते हैं। खुड़खुड़ाया हूँ तो इसलिए क्या बोलूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये देखिए। ओहो हो, ये देखिए क्या शानदार दृश्य है भाई, अति मनमोहक। ये देखिए ये भी यहाँ इस प्रकार का ये बना हुआ है। यहाँ पे जो लोग अगर बैठ के लंच करना चाहते हैं, अगर धूप है तो यहाँ पे आप लंच वगैरह अपना कर सकते हैं। सब खाने पीने के लिए बना, पूरा ये रेस्टोरेंट का एरिया है और लेक पूरी ये है। एक आध तो चलिए फ़ोटो अगर हम खींच लेते हैं। और ये देखिए जो भाई लोग हैं उधर पूरा फ़ोटो खींच रहे हैं, जो हमारे साथ आए हुए हैं हमारे टूर में। और उधर की ओर देख सकते हैं, इधर और इधर है पूरा ये क्या उसको बोलते हैं यार, बोटिंग वगैरह कर सकते हैं, बोट वगैरह हैं यहाँ पे। यहाँ पे हाँ, इधर से सही रहेगा। तो ये देख सकते हैं जैसा कि सब लोग भी खा ही रहे थे और फटाफट हम और विवेक भैया उठे खा के जल्दी फ़ोटो खींच लें। उसके बाद हम भी उठ गए, तो विवेक भैया इधर फ़ोटो खींच रहे हैं और हम इधर पूरा घूम लिए, आपको अच्छी तरह दिखा दिए हैं। अब उसके बाद हम वापस चल रहे हैं। अभी ऐसा ना, ये क्या माइक मेरा जो था ना ऐसे ऊपर आ गया तो मैं ध्यान नहीं दिया। मैंने बोला यार माइक गिर गया क्या, और फ़ोटो में खिंचा रहा हूँ तो फ़ोटो खिंचाने के बाद मेरा ध्यान है मैं माइक कहाँ गिर गया यार, कहाँ ढूँढूँ। मैं गिरता तो आवाज़, लेकिन देखा तो यहाँ ऊपर हो गया था। मेन क्या ना, अगर इसमें लगाता हूँ ना ये इसमें तो ये सरक जाता है, लेकिन कपड़े में लगाता हूँ तो नहीं सरकता है। तो ये चीज़ है। तो चलिए अब हमारे गाइडर साहब हमें बुलाने आ गए, अब चलते हैं हम अपने अगले पड़ाव। अब हम डायरेक्ट जाएंगे केबल कार ना। तो देखिए हम आ ही रहते थे, यहाँ पे देखिए कार, और यहाँ पे हम लोगों ने दे फोटो खींचना चालू कर दिया। आगे अभी मैं निवेदन करूँगा उनसे जो इसके ड्राइवर हैं हमारी गाड़ी के, उनसे बोलूँगा भैया मुझे आगे की सीट दे दो यार, थोड़ा हमें आगे बैठना है। अब देखो बैठने देंगे तो काफ़ी अच्छा है। ये देखिए, वाह, ये देखिए हमारी कौन सी गाड़ी है। आप यहाँ पे जितनी गाड़ियाँ देख रहे हैं ये पूरी इसमें टूरिस्ट आए हुए हैं ग्रुप टूर में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, चलिए चलते हैं। हाँ यही अपना ही है ना, हाँ अपना ही तो है यार। आज मैं जो ड्राइवर साहब हैं उनको बोलूँगा भैया हमें आगे बैठा लो, तो आगे बैठा लेंगे तो थोड़ा बढ़िया रहेगा। यहाँ पे एक ग्लास ब्रिज बना हुआ है छोटा सा, क्योंकि वहाँ पे नीचे कुछ नहीं है। अगर वहाँ से अगर आप गिरे तो डायरेक्ट नीचे जाएंगे और अपनी लाइफ के ज़िम्मेदार आप स्वयं होंगे। तो यहाँ पे अगर आप फ़ोटो खिंचाने जाएँ तो बहुत सावधानी से खिंचाएँ और यहाँ से आपको ऐसा ये फील महसूस करेंगे जैसे आप जन्नत में आ गए हैं। ये देखिए इसको एक स्वर्ग का दरवाज़ा भी कह सकते हैं। ये देखिए, हालांकि सूरज की रोशनी अभी सामने से है तो ज़्यादा हम आपको व्यू नहीं दिखा सकते।